विजय की फिल्म आ रही है लियो। अमूमन फिल्मों के एडवांस बुकिंग एक हफ्ते या दो हफ्ते पहले से शुरू होती है। इस फिल्म के मेकर्स ने अनूठा कदम उठाते हुए रिलीज से 6 हफ्ते पहले ही विदेशों में एडवांस बुकिंग खोल दी है। इससे उन्हें भयंकर फायदा मिल रहा है। यूके में लियो के टिकट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो लियो यूके में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन जाएगी। फिलहाल ये रिकॉर्ड शाहरुख खान की पठान के नाम है। थलपति विजय स्टारर लियो की रिलीज में अभी 29 दिन बाकी है। बावजूद इसके फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 2,04,000 पौंड कमा लिए हैं। अगर इन्हें रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये रकम बनती है 2,09,61,000 रुपए। उम्मीद जताई जा रही है कि रिलीज तक ये फिल्म एडवांस बुकिंग से 400,000 पौंड यानी कि 4,10,00,000 रुपए के आसपास कमा सकती है, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए यूके की टिकट खिड़की पर एडवांस बुकिंग से रिकॉर्ड कमाई होगी। यूके में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 3 इंडियन फिल्में भी आपको बता देते हैं। पठान जो है पहले नंबर पर है। पठान ने 3,27,00,000 रुपए एडवांस बुकिंग से कमाए थे। दूसरे नंबर पर है जवान, जिसने 3,15,00,000 रुपए की कमाई की। सुल्तान तीसरे नंबर पर आती है, जिसने एडवांस बुकिंग से 2,78,00,000 रुपए कमाए। यूके में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली तमिल फिल्म है PS1। मणिरत्नम डायरेक्टेड इस फिल्म ने पहले दिन 2,56,00,000 रुपए कलेक्ट किए थे। ये रिकॉर्ड लियो अगले कुछ दिनों में ही तोड़ देगी। संभावनाएं हैं कि थलपति विजय की इस फिल्म को लेकर जैसा क्रेज है, ये फिल्म 500,000 पौंड यानी कि 5,00,00,000 रुपए के पार जा सकती है। लियो का मार्केट में इतना बज़ इसलिए है क्योंकि इस फिल्म पर थलपति विजय और लोकेश कनगराज साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले इन दोनों लोगों ने 2021 में आई फिल्म मास्टर पर साथ काम किया था। पैंडेमिक की वजह से देश के पूरे थिएटर्स खुले नहीं होने के बावजूद इस फिल्म ने दुनिया भर से 250,00,000 रुपए के आसपास कमाई की थी। पैंडेमिक के बाद ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। बाद में इसका रिकॉर्ड अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने तोड़ा। रोहित शेट्टी डायरेक्टेड इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 295,00,000 रुपए की कमाई की थी। लोकेश कनगराज अभी साउथ के सबसे माने हुए कमर्शियल फिल्म मेकर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का यूनिवर्स शुरू किया है, जिसे LCU यानी लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स बुलाया जाता है। इस यूनिवर्स की पिछली फिल्म थी विक्रम, जिसने दुनिया भर से 450,00,000 रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लियो LCU का हिस्सा है या स्टैंड अलोन फिल्म है। लियो में थलपति विजय के साथ संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सरजा, मिस्किन, गौतम वासुदेव मेनन और प्रिया आनंद जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। ये फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।